इचरा कब्रिस्तान एलपीजी के कारोबार का गढ़ बन गया। खुलेआम कब्रिस्तान में एलपीजी फरोख्त की जाने लगी। कब्रिस्तान के अंदर एलपीजी का कारोबार सालों से चलता आ रहा। एलपीजी सिलेंडर फटने से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं सूरत हाल पर मायदा वही वहां पर है उनसे। मायदा बताइएगा। के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पे एलपीजी का कारोबार किया जा रहा है। ये कब्रिस्तान हमारी आखिरी आरामगाह होती है और बड़ी तादाद में यहाँ पे कब्रें भी मौजूद हैं। लोग सुबह सुबह अपनी फातिहा खाने के लिए अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, दोपहर में चक्कर लगाते हैं और इसी तरह से ये सिलसिला सारा दिन जारी रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन जामिन अब्बास आपको दिखाएंगे किस तरह बजाय इसके कि यहाँ पर स्टार्टिंग में फूलों के जो है वो स्टॉल लगाया जाए ताकि लोग आए अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी करवाने के लिए और वो यहाँ से फूल खरीदे, तो बजाय उसके यहाँ पर बारूदी जो है वो मवाद रखा गया है एलपीजी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़ी तादाद में कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं। और आपको बाकायदा तौर पर दिखाते चलें कि यहाँ पर एरो भी लगाए गए हैं कि किस तरह से एक सिलेंडर रखा हुआ है एंट्रेंस पर, फिर दूसरा सिलेंडर रखने के साथ साथ बाकायदा तौर पर यहाँ पर तीर भी लगाया गया है कि आपको वाजिया हो जाए कि यहाँ पर से आपको एलपीजी जो है वो मुयस्सर है। 260 रुपये में यहाँ पर बेची जा रही है। यहाँ पर ना तो कोई फूलों की दुकान मौजूद है, ना यहाँ पर कोई इनको पूछने वाला है। यहाँ पर दुकानदारों से हमें बात करने पर पता ये चला है कि ये महाना जो है यहाँ पर जिन्होंने इनको ये दुकान दी हुई है 4000 रुपये यहाँ पर इनको दिए जा रहे हैं। इनका यहाँ पर कोई भी खुदा ना खास्ता कोई फातिहा खाने के लिए आता है और खुदा ना खास्ता ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है तो बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो मुतलका इंतजामिया से अपील है कि बर वक्त इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि यहाँ पर जो बारूदी मुआद रखा गया है वहाँ से उठाया जा सके। जी मायदा आपका बहुत शुक्रिया।